students, today we'll solve the examination paper of cost accountancy BCom part second year examination 2021 Rajasthan University, jiska unit first ka first practical question hai, that is V Limited is the manufacturer of picture tubes of TV. Details of its operation during the year 2018 and 19 were as follows. Ordering cost is rupees 100 per order. Inventory carrying cost is 20% per annum. Cost per tube is rupees 520. Minimum use is 50 tubes per week. Maximum use is 200 tubes per week. Normal use is 100 tubes per week. Lead time to supply is 6 to 8 weeks. You are required to find out following information, that is EOQ or discount related आपको निकालना है. Next is if the supplier is ready to supply the required quarterly consumption of units at a amount of rupees 5 per unit, is it worth accepting? That means अगर आपको supplier क्या करता है 5 rupees का discount देता है. First condition, second condition, आपको जो order place करना होगा वो करना होगा quarterly. तो इन दोनों condition से लेके आप EOQ find out करके देखेंगे कि क्या आपको ये proposal accept करना चाहिए या नहीं. Next is reorder stock level, maximum stock level and minimum stock level. Now we will solve the question. First we have to find out the EOQ. EOQ find out करने के लिए हमें ये तीन चीजें चाहिए. First U, O and C. Annual uses, O is order cost, C is carrying cost. Fine, annual uses या annual demand कैसे निकालेंगे? आपको normal uses per week given है. Fine, तो per week given है और 1 year में 52 weeks होते हैं. तो 52 multiply by normal uses per week. क्वेश्चन में गिवन है 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 52 डेट इस 5200, ये हो गया हमारा एनुअल यूजेस एनुअल डिमांड. नेक्स्ट इस कॉस्ट पर ऑर्डर. कॉस्ट पर ऑर्डर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, डेट इस 100 रुपीस पर ऑर्डर. फाइन, कैरिंग कॉस्ट 1 unit for 1 year. यहाँ पे carrying cost के लिए आपको बोला गया 20% per annum है. Fine, कि cost per unit कितनी है? Cost per tube है हमारी 520 रुपए. तो 520 का 20% आपने निकाल लिया, तो ये आ गई आपकी carrying cost for 1 unit for 1 year. Fine, now आपके पास U भी आ गया है, O भी आ गया है और C भी आ गया है. अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने ये सारी यूनिट्स क्या ले ली है, एनुअली ली है, वीकली नहीं ली है. द फॉर्मूला ऑफ EOQ जिसमें आपने ये सब चीजें सब्स्टिट्यूट कर दी है, वैल्यू आ गई आपकी 100 यूनिट्स. दिस इज द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको निकालने हैं. तो EOQ क्या है? क्वांटिटी है, उसको आप एनुअल यूजेस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए. यहाँ क्या है? एनुअल यूजेस डिवाइडेड बाय EOQ, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स. नाउ फर्स्ट आपने EOQ निकाल लिया है, लेकिन नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपको डिस्काउंट भी लेना है और क्वार्टरली ऑर्डर करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ द EOQ इज फॉलोड. जो आपने क्वेश्चन वन में EOQ दिया हुआ है उसको आप फॉलो करते हैं तो क्या टोटल कॉस्ट होगी? तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फर्स्ट निकालनी है. नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो नंबर ऑफ ऑर्डर 52 थे जो हमने प्रीवियस निकाले हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपीज. तो ये हो गया आपका 5200. नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट. एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ईओक्यू डिवाइडेड बाय टू. फाइन, ईओक्यू है आपका 100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट आपने ऊपर कैलकुलेट की थी तो इससे कर दिया डायरेक्ट, दैट इज 5200. नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट के लिए क्या होगा? एनुअल यूजेस या एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, तो एनुअल डिमांड आपने फर्स्ट कैलकुलेट की थी, दैट इज 5200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आपको कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, दैट इज 520 रुपीज. तो ये हो गए आपको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ गई. इन सब का टोटल किया तो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 2714400. फाइन,
ये हो गया आपने जब नॉर्मल कंडीशन चल रही है। अब सेकंड ऑप्शन में आपको गिवन है कि आपको डिस्काउंट भी लेना है और ऑर्डर भी क्या करना है, क्वार्टरली करना है। तो उससे आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि आपको डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं। डिस्काउंट इज अवेल्ड, डिस्काउंट कितना है, 5 rupees पर यूनिट है और क्वार्टरली कंजम्पशन दिया हुआ है। तो ऑर्डर साइज पर क्वार्टर आपका क्या हो जाएगा, डैट मीन्स ईओक्यू, ऑर्डर साइज मीन्स ईओक्यू, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, एनुअल डिमांड आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये भी बोला गया है कि आपको क्वार्टरली कंजम्पशन करना है, क्वार्टरली ऑर्डर करना है। तो 1 year में हमारे 4 quarters होते हैं, 5200 डिवाइडेड बाय 4, डेट इज 1300 यूनिट्स, ये हो गया हमारा ईओक्यू। फाइन, नाउ एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला ऊपर बताया हमने, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, ईओक्यू इज 1300 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2, डेट इज 650 यूनिट्स। नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द क्वार्टरली ऑर्डर इज प्लेस्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, देखिए एक क्वार्टर में आप कितने ऑर्डर देंगे, 4 ऑर्डर। और अगर आप इसको ऐसे भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू, तो कितने ऑर्डर किए आपने, 4 ऑर्डर्स किए। कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, आपको बोला कि आपको डिस्काउंट लेना है, तो 520 आपकी रेट गिवन है, इसमें 5 rupees आपको डिस्काउंट लेंगे तो आपका 515 कॉस्ट पर यूनिट हो गई है। नाउ कैरिंग कॉस्ट 1 unit फॉर 1 year, कॉस्ट पर यूनिट का 20%, दैट इज 103। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, 4 multiplied by ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, डेट इज 100 per order, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है हमारा एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट कर लिया था, कैरिंग कॉस्ट भी आपने पीछे कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यू आ गई 66950। नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट, वही है एनुअल यूजेज या एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल डिमांड आपकी कितनी है, 5200 यूनिट्स की है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट जो कि आपने डिस्काउंट डिडक्ट करके निकाली है, That is 2678000। Total cost आ गई आपकी 2745350। अब आपको discount लेना चाहिए या नहीं, जब आपने discount लिया तो आपकी total cost ये आ रही है, और discount नहीं लिया था तो total cost ये आ रही थी, तो आपकी जहाँ पे cost कम होगी वही ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है। डिस्काउंट लेने के बाद में आपको लॉस हो रहा है इसलिए आप डिस्काउंट नहीं लेंगे, लॉस कितने का हो रहा है, 30950 का। सो इट इज क्लियर दैट देयर इज नो नीड टू अवेल डिस्काउंट फैसिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला है हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम यूजेस, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब आप देखेंगे आपको लीड टाइम टू सप्लाई गिवन है, वो दिया हुआ है आपको 6 to 8 weeks, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये तो हो गया आपका मिनिमम और ये हो गया आपका मैक्सिमम। फाइन, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या हो गया आपका, 8 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम यूजेस, क्वेश्चन में आपको गिवन है 200 ट्यूब्स, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 1600 यूनिट्स। नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर माइनस मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपने सब चीजें सब्स्टिट्यूट कर दी, रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट कर लिया 1600 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज योर ईओक्यू, ईओक्यू क्या है हमारा 100 यूनिट्स, माइनस मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई, मिनिमम टाइम कितना है हमारा 6, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम कंजम्पशन रेट वो गिवन है क्वेश्चन में 50 rupees, वैल्यू आ गई हमारी 1400 यूनिट्स। नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है हमारा रीऑर्डर लेवल माइनस
average time to get the supply multiplied by average rate of consumption. Fine. तो ये हो गया आपका formula. Reorder level आपको given है ये 1600 units minus average time to get supply. अब आप इसका average निकालेंगे 6 + 8 that is 14 divided by 2 7. तो एवरेज टाइम आ गया आपका 7 और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन दैट मींस नॉर्मल यूजेस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 ट्यूब्स इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ रही है आपकी 900 यूनिट्स. यूनिट सेकंड का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट लेबर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट्स अंडर डिफरेंट मेथड्स from the following data collected from the personal department of a factory for the month of January 2019. You are also required to find out the relationship among the labor turnover rate calculated by different methods. Now, number of workers on 1st January that is 950, number of workers on 31st January that is 1050, number of workers left the factory that is 10, number of workers discharged That is 30. जिन वर्कर्स ने आपकी फैक्ट्री को छोड़ा है वो कौन से हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री और नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज्ड. नेक्स्ट है आपको वर्कर्स रिक्रूटेड इन द मंथ. मंथ जनवरी मंथ में कितने वर्कर्स को रिक्रूट किया? डैट इज 140 जिसमें इंक्लूडिंग 124 एक्सपेंशन और एक्सपेंशन में कितने को किया था? 120 को. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. Look students, in this question we will find out labor turnover rate by different methods. जिसमें first method आता है हमारा separation rate method, जिसका formula है labor turnover rate equals to number of separations divided by average number of workers multiplied by 100. अब number of separations अभी हमने question में discuss किए हैं कि जिन workers ने आपकी factory को छोड़ा है, तो number of workers left the factory और number of workers discharged that is 10 plus 30 ये आ गए आपके number of separations thereafter divided by average number of workers. अब average number हम कैसे निकालते हैं? that is opening number of workers plus closing number of workers divided by 2. अब opening 1st January को हमारी number of workers कितने हैं? 950 plus number of workers at 31st January, ये closing number of workers हो गए, divided by 2, that is 1000. This is our average number of workers, जिसको आपने यहाँ पे लिख दिया है, multiply by 100, तो ये आ गया आपका 4%. 4% आपकी मंथली रेट आई है. अब आपको इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालनी है, तो एनुअल टर्नओवर रेट आपकी क्या होगी? 4 multiply by 12. आपने इसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया. वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आगे आपका आंसर 48% डैट इज सेपरेशन रेट मेथड से आपका निकला है लेबर टर्नओवर रेट. नाउ नेक्स्ट रिप्लेसमेंट मेथड. रिप्लेसमेंट रेट मेथड में आपका क्या फॉर्मूला होगा? डैट इज लेबर टर्नओवर रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100. अब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है वर्कर्स रिक्रूटेड इन द मंथ इंक्लूडिंग 124 एक्सपेंशन. 140 आपको गिवन है. अब इसमें क्या है कि 140 को आपने रिक्रूट किया है और 120 एक्सपेंशन प्लान के अंडर रिक्रूट हुए हैं. तो जब आप रिप्लेसमेंट रेट से एनुअल टर्नओवर रेट निकालेंगे तो आप जो भी आपके एक्सपेंशन में यूज आए वर्कर्स हैं उनको नहीं कैलकुलेट करते हैं. ये देखिए नोट, द न्यू वर्कर्स अपॉइंटेड फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम आर नॉट कंसीडर्ड फॉर दिस कंप्यूटेशन. तो आप इस 140 में से 120 को लेस कर देंगे, तो 140 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 1000, ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स अपने निकले थे, मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 2%. ये अपनी मंथली रेट है. अब आपको इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालनी है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज 24%.
नाउ नेक्स्ट मैथड, दैट इज फ्लक्स रेट मैथड, जिसमें हमारा लेबर टर्नओवर रेट निकालने का हमारा फॉर्मूला है सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100. सेपरेशंस हमारे कितने थे? 40 फर्स्ट पार्ट में यूज किए. सेकेंड रिप्लेसमेंट्स थे हमारे 20 जो हमने सेकेंड में कैलकुलेट किए थे. देयर आफ्टर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100, डैट इज 6%. ये भी आपकी मंथली रेट है. इसको आपने अगेन आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी एनुअल रेट कितनी आ गई? 72%. नाउ अब हम डिस्कस कर चुके हैं ये तीनों मैथड जो कि लेबर टर्नओवर रेट के हैं. अब आपको ये और बोला गया है क्वेश्चन में, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग द लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मैथड्स. जो आपने डिफरेंट मैथड से रेट कैलकुलेट की है उनका रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कीजिए. दिस इज द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट टर्नओवर रेट्स. तो फ्लक्स रेट कैसे निकलती है? आपकी सेपरेशन रेट प्लस रिप्लेसमेंट रेट. अब आपकी सेपरेशन रेट स्टार्टिंग में कैलकुलेट हुई थी हमारी 48% और रिप्लेसमेंट हुआ था हमारा 24% का. इन दोनों को ऐड करेंगे आपके 72%. ये देखिए जो फ्लक्स रेट आई है आपकी 72% आई है. और इधर देखिए ये 24% है रिप्लेसमेंट रेट और इधर है हमारा, यहाँ है हमारा 48%. इन दोनों को ऐड कर दिया, 48 + 24 किसके इक्वल हो गया? 72 के. यहाँ पर आपने रिलेशनशिप प्रूव कर दी है कि इन दोनों का टोटल ही हमारा फ्लक्स रेट होता है, क्योंकि फॉर्मूला भी क्या है फ्लक्स रेट का? सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100. यूनिट सेकंड का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज अ कंपनी इज हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई. इंफॉर्मेशन ऑफ ओवरहेड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट इज एज फॉलोज. पावर एंड लाइटिंग, इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है और अदर इंफॉर्मेशन भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट अलोकेटेड बताई गई है. नाउ लास्ट में आपको बोला गया है फाइंड ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड एक्सप्रेस ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. अब आपको यहाँ अलोकेटेड तो गिवन है लेकिन ऊपर जो अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस गिवन है उनको आपको अलोकेट करके बताना है. सेकेंड चीज बतानी है आपको, जो भी आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड आएंगे उसका परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस से निकाल के शो करना है कि वो कितना परसेंट है. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज द स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, जिसमें पर्टिकुलर्स है, बेसिस है, टोटल, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी एंड सी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इनडायरेक्ट मटीरियल. फाइन, ये आपको अलोकेटेड है. क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसके बेसिस पे आपने इसको लिख दिया है. डैट इज 1900, 2400, 400, 3000 और 800, ये अलोकेटेड गिवन है क्वेश्चन में. डायरेक्ट वेजेस नहीं आता है इसमें. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट वेजेस. इनडायरेक्ट वेजेस भी आपको अलोकेटेड गिवन है. डैट इज 1800, 2200, 600, 2000 एंड 1300. नाउ पावर एंड लाइटिंग. अब देखिए यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं जो भी अलोकेटेड गिवन थे. नाउ अब जो ऊपर एक्सपेंसेस गिवन है उनको अपन करेंगे. पावर एंड लाइटिंग 12,000 की, 12,000. अब वो पावर और लाइटिंग का अलोकेशन बेसिस क्या होगा? डैट इज किलोवाट आवर्स. ये आपको पता है कि हम पावर और लाइटिंग को किलोवाट आवर्स के अकॉर्डिंग बांटते हैं, अलोकेट करते हैं. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? ए बी सी और एक्स एंड वाई, इनका बेसिस गिवन है 4000, 4400, 1600, 1500 एंड 500. नाउ 40, 44, 16, 15 एंड 5, सबका टोटल आ रहा है हमारा 120. फाइन, तो ए बी सी
एक्स एंड वाई का लोकेशन निकाल लेंगे। पावर एंड लाइटिंग है हमारी 12,000 की। फाइन, नाउ फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए डिपार्टमेंट का टोटल है हमारा पावर एंड लाइटिंग 12,000 की मल्टीप्लाई बाय ए का रेशियो है 40 डिवाइडेड बाय टोटल डेट इज 120, वैल्यू आ गई आपकी 4,000। फाइन, नेक्स्ट 12,000 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 120 डेट इज 4,400। देर आफ्टर आप सबका ऐसे निकालेंगे, इसका कितना आ रहा है 1,600, इसका 1,500, इसका आ रहा है 500। ये आ रहे हैं इनके अलोकेटेड एक्सपेंसेस। ये देखिए यहाँ पे यही वैल्यूज आ रही है, आपने इसको अलोकेट कर दिया है किलोवाट आवर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसको आपको करना है असेट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और असेट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइन, इसका आप रेशियो निकाल लेंगे जैसे हमने पीछे निकाला है किलोवाट आवर्स का, और देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है आपको 4,000। ये है हमारी 4,000, इसको भी आप अलोकेट कर देंगे फिक्स्ड असेट वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो वैल्यूज आ जाएगी 1,000, 1,200, 800, 600 एंड 400। देयर आफ्टर रेंट्स एंड रेट्स, उसको किसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम करते हैं एरिया अकॉर्डिंग। एरिया भी आपको स्क्वायर फिट में क्वेश्चन में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आपने एरिया के अकॉर्डिंग इन सबको अलोकेट कर दिया है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉई वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई वेलफेयर एक्सपेंसेस के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट हमें यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग अलोकेट कर देंगे। तो इधर आ गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इनको अलोकेट कर दिया हमने एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस को। इन सबका टोटल हो गया है क्योंकि सारे एक्सपेंसेस हमारे अलोकेट हो चुके हैं। फाइन, नाउ अब आपको पता है जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी अलोकेट हमें किस में करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जो हमारे दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, वो एक दूसरे के बीच में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है। तो हमने इनके सारे एक्सपेंसेस को किस में डिवाइड कर दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सर्विसेज बाय एक्स, जो एक्स ने अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उनको सर्विसेज किस किस रेशियो में दी है, डेट इज 50%, 30% एंड 20%। तो ये आपका बेसिस आ गया 5:3:2। तो आपने ये जो 9,000 इसके टोटल ओवरहेड्स है उसको इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अलोकेट कर दिया है 5:3:2 के रेशियो में। फाइन, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है कि सर्विस डिपार्टमेंट वाई वो भी किस रेशियो में अलोकेट कर रहा है, डेट इज 30%, 40% एंड 30%, 3:4:3। तो आपने जो भी इसके एक्सपेंसेस थे डेट इज 4,000, उसको आपने इस रेशियो में अलोकेट कर दिए हैं तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फाइन, ये आ गया आपका टोटल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, फाइंड ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हमने हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ एक्सप्रेस ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वेजेस गिवन है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको ओवरहेड्स को दिखाना है। तो डायरेक्ट वेजेस हमने यहाँ लिख दी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1,83,000, 38,200, 43,000, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इन ओवरहेड्स को आप परसेंटेज में शो करेंगे। फाइन, किसके परसेंटेज में, डायरेक्ट वेजेस के। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस ऑफ द डिपार्टमेंट, इसकी से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1,83,000 डिवाइडेड बाय 1,83,000, ये है आपकी डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें भी इसको इससे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर आ जाएगा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100।
फाइन, तो ये परसेंटेज आ गई, आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का. You have completed second unit. Now in next video we will discuss unit 3. Hello students, today we'll solve the examination paper of cost accountancy BCom part 2 Rajasthan University examination 2021. इसमें unit 3 में operating costing से related question given है. That is the following information relate to a truck of 5 ton capacity estimated life of which is 10 years. 5 ton capacity और 10 years की life है और इससे related आपको information given है, annual expenses भी given है और monthly expenses भी given है. Additional information given है, truck takes 1 round trip per day for a place 60 km away. एक place जो कि 60 km away है उसकी trip करता है. Fine, round trip, that means एक बार जाता है और वापस भी आता है. कैपेसिटी यूटिलाइज्ड 100% फॉर आउटवर्ड, जाने पर वो कितनी कैपेसिटी यूज करता है 100% और रिटर्न ट्रिप में वो कितनी कैपेसिटी यूज करता है 20%. फाइन, और एवरेज ऑपरेशन 25 days इन अ मंथ, और 1 month का इधर कैलकुलेशन हो रहा है जिसमें कितने डेज है 25 days है. तो इस अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, 1 month का ही इसका कैलकुलेशन निकालना है. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट फर्स्ट क्या निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर. नेक्स्ट निकालना है रेट पर टन पर ट्रिप एडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑफ फ्रेट. फाइन, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है. दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट. एज यू नो, सबसे पहले हम इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिखेंगे. तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस इसमें हमारे क्या क्या हैं, देखिए इंश्योरेंस गिवन है, तो फर्स्ट आ जाएगा इंश्योरेंस जो कि एनुअल बेसिस पे हमें गिवन है, लेकिन हम सारा कैलकुलेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे, इसलिए सारे एक्सपेंसेस हम मंथली बेसिस पे लेंगे. तो ए फिक्स्ड एक्सपेंसेस आ गए मंथली बेसिस पे. इंश्योरेंस हमें गिवन है 4800 का, जिसको डिवाइडेड बाय 12 कर लिया तो 400 आ गया आपका मंथली. नेक्स्ट इज रोड टैक्स, वो भी आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, वो भी क्या है 2400 डिवाइडेड बाय 12 मंथली निकाल लिया 200. नेक्स्ट इज सुपरविजन इज ऑल्सो अ फिक्स चार्ज, तो 4800 डिवाइडेड बाय 12 400. नेक्स्ट है रिपेयर्स, रिपेयर्स आपका क्या है वेरिएबल कॉस्ट है. नेक्स्ट है क्लीनर्स, क्लीनर्स का भी जो भी है वो भी आपका मंथली फिक्स्ड चार्ज है, तो ये आपको डायरेक्ट मंथली गिवन है तो इसलिए आप डिवाइडेड बाय 12 नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्लीनर्स वेजेस आपने लिख दिया है 250. नेक्स्ट इज ड्राइवर्स वेजेस, ये भी क्या है आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है, मंथली गिवन है, नो चेंज, तो 500. नेक्स्ट इज वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस में आपको रिपेयर्स और डीजल गिवन है. फाइन, तो रिपेयर्स आपको मंथली गिवन है इसलिए आपने उसको डायरेक्ट लिख दिया रिपेयर्स मंथली 500. फाइन, नेक्स्ट आपको डीजल गिवन है, डीजल की अभी हम कर रहे हैं, उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन दिया हो या नहीं दिया हो आपको कैलकुलेट करके लिखना ही होता है इसमें, तो डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली कैसे निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रक डिवाइडेड बाय इसकी एस्टिमेटेड लाइफ. फाइन, कॉस्ट ऑफ ट्रक है आपकी 2 lakh डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ है 10, तो 20,000 आ गया. ये 20,000 1 year का आया है और यहाँ हमें कैलकुलेट करना है मंथली, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दिया आपने तो वैल्यू आ गई आपकी 1667. फाइन, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ अब किसका करना है, डीजल का. डीजल के लिए आपको रेट कितनी गिवन है 18. फाइन, अब 18 क्या है, एक ट्रिप की है, कितने की है, एक ट्रिप की है, तो दिन में कितने ट्रिप हो जाते हैं उसके, 2 trip हो जाते हैं जाना और आना. फाइन, मल्टीप्लाई बाय, ये तो एक दिन का हो गया, अब 25 days वो चलता है ट्रक, तो मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आपका पूरा मंथ का डीजल का एक्सपेंसेस आ गया. ये देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो वैल्यू आ गई 900. फाइन, नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 3067.
नाउ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आ गए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 4817। फाइन, नाउ अब आपको पता है आपको इसको डिवाइड करना होगा इफेक्टिव टर्न्स किलोमीटर में कि कितने टर्न किलोमीटर हमारे चले हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव टर्न्स किलोमीटर, दोनों जर्नी का निकालेंगे हम, आउटवर्ड जर्नी और इनवर्ड जर्नी। सबसे पहले टर्न्स लिख देंगे। आउटवर्ड जर्नी जा रहा है तो हमने देखा था 100% कैपेसिटी यूज कर रहा था, डैट मीन्स 5 टन सामान ले जा रहा था। नेक्स्ट इज कितने किलोमीटर जा रहा था, 60 किलोमीटर जा रहा है, और ये तो हो गया वन डे का। नेक्स्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 25, जो कि 21 मंथ में वो इतने किलोमीटर इतने टन सामान ले जा रहा है, तो कितना आ गया 7500। ये हो गया आपका आउटवर्ड जर्नी का। इनवर्ड जर्नी का अलग है, तो उसमें क्या बोला गया, ये 20% कैपेसिटी को यूज कर रहा है, तो 5 का 20% आप निकालेंगे, डैट इज 1। तो 1 टन आ गया यहाँ पे, वही 60 किलोमीटर वापस आ रहा है। नेक्स्ट 25 डेज का निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई 1500। इसका आपने टोटल कर लिया तो क्या आ गया 9000, डैट इज टोटल टर्न किलोमीटर। देखिए ये आ गए हमारे इफेक्टिव टर्न्स किलोमीटर, डैट इज 9000। नाउ कॉस्ट पर टन किलोमीटर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो हमने क्या किया, इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को टन किलोमीटर से डिवाइड कर दिया, डैट इज 9000, तो वैल्यू आ गई आपकी 0.535। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट पर टन पर ट्रिप एडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्रेट, जो आपका किराया है उस पे 50% प्रॉफिट ऐड करके आपको ये सारी चीजें निकालनी है। तो ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट पर टन पर ट्रिप आपने कैलकुलेट किया है। फर्स्ट है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि ऊपर कैलकुलेट किए थे 4817। फाइन, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि फ्रेट पर आपको कितना परसेंट प्रॉफिट है, 50% प्रॉफिट है, फ्रेट का है 50% प्रॉफिट। फाइन, अब फ्रेट है आपका 100 रुपीज का सपोज कीजिए, तो इसका 50% कितना हो गया 50 रुपीज। तो ये तो है आपका प्रॉफिट, फ्रेट है आपका कितना 100 रुपीज, तो कॉस्ट कितनी हुई, फ्रेट माइनस किराए में से अगर आपने प्रॉफिट को लेस कर दिया तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, तो ये आ गए 50 रुपीज आपकी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। तो डैट मीन्स कॉस्ट का 100% हो गया, कॉस्ट का 100% हो गया प्रॉफिट, क्योंकि 50 रुपीज हमारी कॉस्ट है और 50 रुपीज ही हमारा प्रॉफिट है, तो कॉस्ट का क्या हो गया 100% हो गया। तो यहां देखिए यही किया है हमने, प्रॉफिट 50% ऑन फ्रेट या 100% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट है हमारी इतने की, तो सेम प्रॉफिट हो जाएगा 4817। तो टोटल फ्रेट अपना क्या आ गया 25 डेज का, क्योंकि हमने ऊपर मंथली कैलकुलेट किया है फॉर 25 ट्रिप्स, डैट इज 9634। अब हमें निकालना है फ्रेट पर टन पर ट्रिप, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रेट पर ट्रिप। आपने एक महीने में 25 ट्रिप्स की है, फाइन, अब डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे तो आपका पर ट्रिप आ जाएगा फ्रेट, डैट इज 385.36। फाइन, ये आ गया आपका पर ट्रिप। नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है, पर टन। एज यू नो कि फ्रेट पर टन पर ट्रिप में क्या होगा, आप डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं, यहां पे हमने क्या कर दिया, ये जो था उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो वैल्यू आ गई आपकी 77.07। यहां वर्किंग नोट में ये देंगे, वो जो अपनी 100% कैपेसिटी यूज कर रहा था उसे ही हमने यहाँ पे लिया है 5 से, रिटर्न ट्रिप का जो उसने 1% किया है उसको हमने कंसीडर नहीं किया है। 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, टुडे विल डिस्कस यूनिट 4th, जिसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, डैट इज मिस्टर ऑनेस्ट टुक अ कॉन्ट्रैक्ट
for the construction of a cinema building on 1st April 2019. The contract price was 75 lakh. आपको contract price given है और उस contract से related सारे expenses नीचे given है. Now you are required to prepare contract account. आपको इसमें contract account prepare करना है. Now we will solve the question. This is our contract account. Find contract ledger of Mr. Honest contract account. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में फर्स्ट एंट्री होती है मटेरियल की. तो मटेरियल के लिए आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको तीन इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, थर्ड इज मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर. तो फर्स्ट हमारा आइटम है मटेरियल. जो मटेरियल आएगा वो आ जाएगा परचेजेस की हेडिंग में, डैट इज 12 लाख. फाइन. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, डैट मीन्स आपने मटेरियल को लौटा दिया है, आपके यहाँ से गुड्स चले गए हैं, तो आप उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में. तो एंट्री हो जाएगी बाय मटेरियल रिटर्न, कितने से 75,000 गिवन है आपको क्वेश्चन में. नेक्स्ट इज मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, डैट मीन्स आपके पास सामान आ रहा है, फ्रॉम स्टोर हो जाएगा. अमाउंट गिवन है 1,50,000. फाइन. इन दोनों का ग्रैंड टोटल अपना बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट मटेरियल के बाद में आता है लेबर, तो टू लेबर लिख देंगे आप डायरेक्ट 4,50,000 से. नेक्स्ट इज प्लांट, टू प्लांट 6 लाख से. नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी हमारे डेबिट साइड में ही आएगा, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख. और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, डैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड, डैट मीन्स वो एक्सपेंस आपके ड्यू हो चुके हैं. फाइन. तो ड्यू की एंट्री भी ऐड करने में होगी, तो 1,20,000 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल वैल्यू आ गई आपकी 4,20,000. नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, सारे एक्सपेंसेस इधर ही आएंगे, टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस डैट इज 75,000. नेक्स्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो टू वेजेस आउटस्टैंडिंग 90,000 से. नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड एट 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पे आपको वर्क सर्टिफाइड के लिए बोला गया है, जिसकी एंट्री हम इधर करेंगे, तो अभी इसको छोड़ रहे हैं, उसके आगे वाले की एंट्री कर रहे हैं. वर्क अनसर्टिफाइड उसको भी इधर एंट्री करेंगे. नेक्स्ट है मटेरियल एट साइट और प्लांट एट साइट, डैट मीन्स ये दोनों का क्लोजिंग बैलेंस है. बाय मटेरियल एट साइट 30,000, बाय प्लांट एट साइट 4,50,000. ये हो गई एंट्री. नाउ अब एंट्री होगी बाय वर्किंग प्रोग्रेस की. अब देखिए वर्क अनसर्टिफाइड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 7,50,000 से. फाइन. नाउ वर्क सर्टिफाइड के लिए भी आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है. वर्क सर्टिफाइड का 80% हमारा क्या है? कैश है. फाइन. तो कैश मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 आपका क्या होगा? वर्क सर्टिफाइड. फाइन. देखिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड 30 लाख डिवाइडेड बाय 80%, तो वैल्यू आ गई आपकी 37,50,000. दिस इज अ वर्क सर्टिफाइड जिसको कि आप एंटर करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. इसको यहाँ पोस्ट कर दिया हमने वर्क सर्टिफाइड को 37,50,000. इन दोनों का टोटल आ गया बाहर, डैट इज 45 लाख. हमें क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्रीज कर ली है. नाउ हम कैलकुलेट करेंगे नोशनल प्रॉफिट, जिसके लिए हमने क्रेडिट साइड का पूरा टोटल कर लिया, डैट इज 50,55,000, जिसमें से इन सबको टोटल करके लेस कर दिया है. नोशनल प्रॉफिट इज 20,70,000. कितना आ गया? 20,70,000. टू नोशनल प्रॉफिट सीडी इधर आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी, कितने से? 20,70,000 से. फाइन. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
लोग स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में सिमिलैरिटी लाने के लिए सभी के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही सारे कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया बताया गया है, अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से लेस है तो आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे P&L अकाउंट में, फाइन। और ये 25% या उसके अबव बिलो टू 50% है तो वो क्या होगा, 1/4 अमाउंट हमारा ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में, और 50% या उसके अबव है तो 2/3 अमाउंट आप प्रॉफिट का ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में। दीज आर द क्राइटेरियाज, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नोशनल प्रॉफिट का डिवीजन करते हैं। तो यहां देखिए, वर्क सर्टिफाइड इज 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैसे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारी, क्वेश्चन में गिवन है 75 लाख, फाइन। और वर्क सर्टिफाइड है हमारा 37,50,000, तो इसका क्या हो, 50% कर दीजिए तो वैल्यू आ रही है हमारी 37,50,000। क्योंकि हमारा 50% है तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा हमारा P&L अकाउंट में। तो इसके लिए फॉर्मूला है, डैट इज नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, फाइन। तो टोटल प्रॉफिट, दैट इज नोशनल प्रॉफिट जो आया था हमारा 20,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, कैश रिसीव्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 लाख, और वर्क सर्टिफाइड है हमारा 37,50,000। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई आपकी 11,04,000। इस प्रॉफिट को हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। बैलेंसिंग फिगर में हमारा क्या आ जाएगा, 2WIP अकाउंट, डैट इज 9,66,000। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यूनिट 5th, जिसमें हमें फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, द फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन टू यू, ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। You are required to calculate PV ratio, BEP, variable cost of each year, sales to earn a profit of ₹40,000, margin of safety at the profit of ₹2,000. Now we will solve the question. Now the calculation of PV ratio, PV ratio calculate करने का formula है, change in profit divided by change in sales multiplied by 100. अब देखिए, आपको 2019 और 20 में profit कितना given है, 20,000 का, और 18 और 19 में आपको लॉस गिवन है 10,000 का। तो जो चेंज हुआ उसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट आ जाएगा आपका 20,000 माइनस, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस 10,000। क्यों, क्योंकि आपको पिछले साल में लॉस हुआ है, तो करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर का लॉस। और इधर भी चेंज आ जाएगा, करंट ईयर की सेल्स आ जाएगी, डैट इज 2,50,000 माइनस प्रीवियस ईयर का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसको करेंगे आप सॉल्व तो ये प्लस हो जाएगा, डैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, डैट इज 20%। तो ये आ गया आपका पीवी रेशियो। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। बीईपी के कैलकुलेशन के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमें सेल्स और प्रॉफिट गिवन है, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम फॉर्मूले में अप्लाई कर लेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, इसको आप कैलकुलेट करके माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की। सेल्स है आपकी 2,50,000 करंट ईयर की मल्टीप्लाई बाय 20% पीवी रेशियो कैलकुलेट हुआ है, माइनस करंट ईयर का प्रॉफिट है आपका 20,000, तो आ गया आपका 30,000, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपकी 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, दैट इज 20%। वैल्यू आ गई आपकी 1,50,000, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर। अब आपने पीछे फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की थी, इधर आपको कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस
पीवी रेशो अलग अलग सालों की हम निकाल रहे हैं, 18 और 19 की सेल्स आपको गिवन है 1 लाख और 19 और 20 की गिवन है 2,50,000। सेल्स लिख दिया मल्टीप्लाई बाय डेट इज 1 माइनस पीवी रेशो आपका कैलकुलेट हुआ है 20%, 1 माइनस 20% कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 80,000 और इधर आ गई 2 लाख। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। इसमें आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कि आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए, तब आप अपनी सेल्स कितनी रखेंगे। तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डिजायर्ड प्रॉफिट जो आप चाहते हैं प्रॉफिट कितना है 40,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आपने पहले कैलकुलेट किए वो हमेशा सेम रहेगी डैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो डैट इज 20%। तो इसको सॉल्व किया वैल्यू आ गई आपकी 3,50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी हमारा फॉर्मूला है डैट इज डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 2000 चाह रहे हैं आप इस टाइम पे, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हो गया 20%, वैल्यू आ गई 10,000। डैट मीन्स आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2000 प्रॉफिट होने पर कितना होगा 10,000।